अब तक टचवुड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और कल हमने गाना भी लॉन्च किया, हमारा पहला गाना उड़ी, जो मेरा फेवरेट गाना है फिल्म का, इट्स अ लव सॉन्ग। वो फिल्म में, देखिए फिल्म में गाने नहीं है, लेकिन गाना हमने लॉन्च किया प्रमोशन के लिए। तो अभी तक टचवुड इट्स बिन फैंटास्टिक, और मैं आज बहुत एंग्शियस हूँ। आई थिंक दिस इज व्हाट इट फील्स टू लाइक दिस प्रॉब्ली डेब्यू हो आफ्टर वेरी लॉन्ग। ओके रजनी जी, काफ़ी अप्रिसिएट के बाद अब फिल्म को रिलीज होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए, जब इतना सारा अप्रिसिएट के बाद कुछ नर्वस फील करती हैं? हाँ हाँ, मैं आज आज मेरे अंदर इतने सारे इमोशंस हैं कि अगर मैं मैं जितनी बातें करती हूँ टुडे, आई एम लॉस ऑफ वर्ड्स। सो आज मैं इतना ज़्यादा महसूस कर रही हूँ, एंड टुडे आई एक्चुअली फील कि आज मेरी फैमिली मेरे साथ में है, आई फील सो ब्लेस्ड, आई एम मिसिंग माई फादर, बट आई एम फीलिंग सो गुड। और इतना अप्रिसिएशन फिल्म को अब तक मिला है। आज हमारी इंडिया में दूसरी स्क्रीनिंग है, पहले हमारी देहरादून जागरण फिल्म फेस्ट में हुई थी, आज मामी की स्क्रीनिंग है। तो अब तो शुरुआत हुई है, तो अच्छी शुरुआत हुई है। एंड देखिए, मेरे हाथ में जितना था मेहनत करना, जितना मैं अपनी परफॉर्मेंस पे अपनी जान लगा के मैंने मेहनत कर दी है, अब मैंने भगवान पे छोड़ दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि देखिए मेरे परिवार की मैं एक स्क्रीनिंग रखूँगी जिसमें मेरा पूरा परिवार आएगा, और आप सबको उसमें मैं बिल्कुल बुलाऊँगी। तो कृष्णा जी के खुद के मुँह से आप मेरी तारीफ सुनिएगा, और उसको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। सो ऑल्सो रागिनी जानना चाहेंगे, बिकॉज जैसे कि आपने बोला है डेब्यू है, एक लंबे समय के बाद रागिनी वापस आई, क्या लगता है पर्सनली क्या फीलिंग है कि जिस तरीके से रागिनी को लोग इतना प्यार देते थे, वही प्यार अब बड़े पर्दे पर भी लोगों से मिलेगा, कितनी खुद को पर्सनली क्या फीलिंग है? देखिए मैं तो, मेरे हाथ में है बहुत मेहनत करना, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, और फिर जितना मुझे छोटे पर्दे पर प्यार मिला, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं वेरी ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने पूरी मेहनत की और अपने दर्शकों के सामने अपना काम रख दिया। इस वक्त भी मैंने पूरी मेहनत की और अपने दर्शकों के सामने काम रख दूँगी, और मेरे दर्शकों के ऊपर है कि उन्हें कितना मेरा काम पसंद आएगा और कितना वो प्यार देना चाहेंगे। हाँ, अब तक जितना रिस्पॉन्स मिला है वो यही कहते हैं, यू नो, कि हमें बहुत, कितने लोग कहते हैं कि हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हम तुम्हें पसंद करते हैं, क्योंकि तुम अलग अलग तरीके का काम करती हो, एटलीस्ट तुम कोशिश करती हो। तो मुझे इसी बात में सक्सेसफुल फील होता है कि लोग मेरी कोशिश को नोटिस कर रहे हैं और लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरी जर्नी को। क्योंकि कितनी बार होता है ना कि आप कुछ कहते हैं और फिर लोग बोलते नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है, और आई थिंक यूजुअली जब आपने अच्छी फिल्म बनाई होती है तो फिर आपको गर्व होता है प्रमोट करने के दौरान, और यू आर फील रियली नाइस एंड आई एम सो हैप्पी कि प्रोड्यूसर्स लाइक जार आर मेकिंग फिल्म्स लाइक दिस, जहां मुझ जैसे एक्टर को अपॉर्चुनिटी मिलता है। एंड मैं क्वाइट एक्साइटेड हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के लोग आज प्रीमियर है, हमारी इंडस्ट्री के लोग कैसे इसको डाइजेस्ट करते हैं, उनको कैसे लगती है फिल्म, आई एम कॉन्फिडेंट दे विल लाइक इट। यार हमारे, आई थिंक द ट्रेलर बिन रियली वेल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ये मेरी पांचवी रिलीज है, मैंने लाल रंग, फितूर, पिज्ज़ा, इसी लाइफ में मैंने काफ़ी फिल्में की हुई हैं, दर्शकों ने देखी नहीं देखी पता नहीं, बट आई हैव नेवर गॉट अ रिस्पॉन्स दैट इज दैट यूनानिमस फॉर माई ट्रेलर एंड द मार्केटिंग फॉर एनी फिल्म अप इनटिल दिस पॉइंट। नो, व्हाई वुड आई बी नर्वस, शाहरुख खान इज शाहरुख खान, वो बहुत दिग्गज कलाकार हैं, हमारी तो शुरुआत में मुकाबला ही नहीं है, मतलब मुकाबला तब होता है when there are two equals, these are not two equals, there has Imtiaz Ali, it has Shahrukh Khan, it has Anushka Sharma, this has Akshay Oberoi, Ragini Khanna, Shankar Raman, still we made a quality product and there's room for everyone today, yeah? Nothing like that. Thank you. Yeah.
थैंक यू। डरा हुआ हूँ कि जैसे मुझे ट्रेलर में पसंद कर रहे हैं वैसे ही मुझे फिल्म में पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि फिल्म की सच्चाई तो अब खुलेगी। ये योगी हैं, हमारे टीचर हैं और इसमें बहुत बढ़िया रोल कर रहे हैं इस फिल्म में। तो वही है कि थोड़ी नर्वस हैं, डरे हैं कि जो प्रोमो ने उम्मीदें बढ़ा दी है तो उस उम्मीद पर हम खड़े उतर पाते हैं कि नहीं फिल्म में, तो उसका थोड़ा डर है, थोड़ी नर्वसनेस है। बहुत अच्छी, बहुत, क्योंकि वो बच्ची बनी है और मैं भी एक बेटी का बाप हूँ तो वैसे भी मुझे बच्चियों से ज़्यादा लगाव है, तो बहुत अच्छा वो दिखेगा फिल्म में, बाप बेटी की केमिस्ट्री। तो रागिनी नर्वस थी थोड़ा, बिकॉज वो यहाँ पे बोल के गई मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ अभी भी और पहले भी थी, तो क्या थोड़ा सेट पे नर्वस नजर आई? नहीं नहीं, सेट पे नहीं, प्रोफेशनल एक्ट्रेस है, बहुत सारे टीवी शो में काम की है वो, तो उनको हमसे ज़्यादा कैमरा देखने की आदत है, तो मुझे नहीं लगता वो शूटिंग में नर्वस रही होंगी, अगर होंगी भी तो हमें नहीं मालूम चला। मैं चाहता हूँ मुन्ना माइक हैरी मेट सेजल इतनी चले, इतनी हाउसफुल हो जाए कि बची हुई ऑडियंस हमारे में आ जाए, तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, वो अलग सिनेमा है, अलग किस्म का सिनेमा, हमारा अलग सिनेमा है, तो लड़ाई क्यों, कोई लड़ाई नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। जी मैंने ट्रेलर देखा और मुझे बहुत पसंद आया, इट्स एन अमेजिंग क्या बोलते हैं, ये फिल्म में परफॉर्मेंसेज मेरे को लग रहा है बहुत अच्छी होने वाली हैं, इसके ट्रेलर में काफ़ी इनसाइट दिखाता है इस फिल्म के बारे में, तो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ आउट ऑफ द फिल्म एंड होपफुली फिल्म देखते वक्त उतना ही एक्साइटमेंट रहेगा मेरे को भी। जी जी, आपकी एक्टिंग को पर्टिकुलरली बहुत ही अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाद हम क्या धमाका करते हुए देखेंगे, दुबई? अमेरिका दुबई कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका हाल ही में टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो आया था, जो है प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर लवरंजन जी, उनके साथ फिल्म कर रहा हूँ, टी सीरीज प्रोड्यूस कर रही है फिल्म, उसका नाम है सोनू के टीटू की स्वीटी, ये रिलीज़ हो रही है नवंबर में, तो उसी का शूटिंग अभी बिजी, अभी मैं यूरोप से वापस आया हूँ वही शूट करके, तो हाँ उसके लिए मैं यूरोप गया था, तो आप सही बोल रहे थे एंड तो हाँ वो मेरी फिल्म है, अगली फिल्म जो रिलीज़ होगी इसी साल में। जी अभी तक मैं मतलब दूसरी फिल्म जब कोई भी साइन करूँगा तो मैं उसके बारे में खुद बताऊँगा, फिलहाल के लिए अभी जो भी डिस्कशंस के किसी फिल्म के हो रहे हैं वो अभी सही नहीं लगेगा कि मैं उसके बारे में कुछ भी बोलूँ। मतलब यही प्रोजेक्ट होगा ना, चोर निकल।